मेरे लाल को कुमार बिरजवान को 12 बरस बीते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे लाल आए हैं नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी बहू को गौना कराने के लिए गए हैं मेरे बेटे, लेकिन आज तक नहीं आए हैं। मैं थोड़ी दिन और इंतजार कर लेती हूँ और देखती हूँ मेरा बेटा आता है या नहीं आता है। कि हाय हो चुमले में जाई छी मैया सा दाछनी सहरिया तुमची, चुमले में जाई छी मैया जे दाछनी सहरिया तुमई, मान ले बताचा उठ भी काल हो। आज जैब नैया नाचती कब हो, गर्माल 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 संतोषराज 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 द्वारपाल कहाँ गए हो? द्वारपाल कि आए हो जल्दी से तो मंत्री मोर ना जदिक बहु मंत्री, जल्दी से तो मंत्री मोर ना जदिक बहु मंत्री, जल्दी आई तमोर ना जदी कनहो। कि हाय हो पाम से दहिन बहादुर जे सनमुख रहबे करे हो, पाम से दहिन बहादुर जे सनमुख रहबे करे हो, मांग ले पाचा उठ भी काल हो। खुश रहो द्वारपाल, क्या बात है? देखो तुम सिंह दरवाजे पे जाके देखो, कोई आया है और जोर जोर से पुकार कर रहा है। कौन आए हो? कौन आए हो? मैं एक तपस्वी भिखारी हूँ। क्या बाबा जी, मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा चाहिए। 5 मुट्ठी भिक्षा? हाँ तो ठीक है, मैं रंग महल में जाकर के मलकिनी जी से बोलता हूँ जो आपको 5 मुट्ठी भिक्षा। ठीक है, जल्द से जल्द करो। मलकांची आइए। हाँ मंत्री। 5 मुट्ठी भिक्षा दो दियो जोगी एलखिन। देखो मंत्री, मैं रंग महल से बाहर नहीं निकलती हूँ, और जाओ बांधी को कहना कि बांधी तुम बाबा जी को 5 मुट्ठी भिक्षा दे दो। बांदी को आवाज मारिए। अरे बांदी बांदी कहाँ गई? अरे बांदी सुनती हो? बांदी आ
खुसरो बांधी क्या बात है महारानी बांधी हाँ, अपने सिंह दरवाजे पे कोई जोगी बाबा आया है। जोगी बाबा हाँ बांधी कहाँ है और तुम जाके अपने अनाज की कोठरी से कुछ भिक्षे लेके हाँ, और कुछ दान पुण्य के कपड़े गुदरी उदरी लेके बाबा को दे देना। ठीक है। सुनो बांधी अब कोई चीज का हरकत मत करना, अगर हरकत करोगी तो जानती हो मैं कैसी हूँ। हाँ हाँ जानती। ठीक है जाओ बांधी। भिक्षा मिलेगा? हाँ बाबा क्यों ना, तो जल्द से जल्द मुझे भिक्षा दो बाबा। कहो बाबा आप भिक्षा लीजिएगा। मैं तो भिक्षा ही लेता हूँ बाबा, थोड़ा इधर आओ ना। क्या बात है बाबा, आप कितने अच्छे बोलते हैं बाबा, बहुत सुंदर है बाबा। सुनो हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ हाँ, इस महल के तुम हो कौन? बाबा बाद में बतलाएंगे, लेकिन थोड़ा प्यार कीजिए हम। आपने जुबान भी लगाम दो, तुम ये बताओ कौन है? बाबा हम बहुत सुंदर है, थोड़ा प्यार कीजिए ना बाबा। क्या कहा? किया हो रामा रामा हो रामा, ओ बाबा सुनो छियो बोलो हो कारी जा बकारा हो बाबा हो मोरा सन परे बाबा हो मोरा सन परे बाबा हो करी कहो मोरा सन पर हावे चबरले हसती ह जगिया आई फकीरा बाबा है जगिया सुनो। हाँ बाबा क्या बोल रही है? थोड़ा ब्याह कर रहा हूँ। ए हट रहो जोगी आइला हो बाबा हो के जोगी कहीं लई हो के जोगी कहीं लई हो नहीं आइला हो तोरा जाना मचल निकल है सती है के हो नहीं का कहिया है के हो नहीं का कहिए क्या बाबा आपको चक्कर में मैं प्यार करने के लिए भूल गए हैं बाबा, पागल हो गई हाँ बहुत पागल। अरे हमारे पीछे तबानी पागल आई चाहिए से देखल न देल मुस्काए, हमारे पीछे तबानी पागल आई देखल चाहिए से देल अली पतियाई बोले अली मां चाहिए बाली खाली पतियाई बोले अली मां चाहिए बाली दिल बाले गई
वाले गेल पिरकी फरगवाल दिल वाले गेल पियर की फरगवाल दिल वाले गेल पियर की फरगवाल दिल वाले गेल पियर की फरग सुनो हां बाबा बाबा हो ओ बाबा क्या है हे 50 रुपया लबो नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए पैसा ले लेकिन हमरा सने बियाह कॉल है मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा चाहिए मैंने तुमसे पूछा ना ये बताओ हाँ तुम इस रंग महल की कौन हो ले बाबा बोलो हो दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारा पिया दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारा पिया दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमारा पिया रखे घर चले आइयो हमारे बाबा रखे घर चले आइयो हमारे बाबा सामने इधर बोलो बाबा मैंने तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझसे मजाक कर रही हो थोड़ा प्यार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबा सर पर तो मैं ये बताओ कि तुम कौन हो नहीं तुम्हें शराब दे दूंगा तो जल के भस्म हो जाएगा हटके हटके बात करो कौन हो मैं इस द्वार के दासी है इस महल की नौरी हो हाँ झूठ खाती हो और झूठ बोलती हो और चुच्चर में हाथ पूछती हो हाँ हाँ बाबा इसीलिए तो इतना रंगीला रंग कर रही हो हाँ हाँ बाबा सुनो मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा हाँ चाहे अपने महारानी के कह दो अगर भिक्षा देना है हाँ तो अपने हाथों से दे वरना मैं शराब पी के चला जाऊंगा ठीक है मैं जा रही हूँ महारानी के पास महारानी हाँ हाँ महारानी हाँ बाबा हमसे हाथ से भिक्षा नहीं ली तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ली नहीं क्यों क्यों मैं झूठ खाती हूँ झूठ बोलती हूँ चुत्तर में हाथ पोसती हूँ इस चलते क्या बाबा ने बोले हाँ कि बांदी तुम झूठ बोलती हो झूठ खाती हो चुत्तर में हाथ पोछ हाँ हाँ इसीलिए तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लिए नहीं बांदी आप ही जाके बाबा का भिक्षा ठीक है बांदी तुम्हें यहीं पर रुको मैं पूछती हूँ बाबा ठीक है हम जा रहे हैं अरे बांदी बाबा प्रणाम बाबा आयुष्मान या विधाता क्या समय आ गया है कि आज
सच माँ हो कि मुझे पैर छूना चाहती नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है माता राम अच्छा मिलेगा हाँ हाँ बाबा लेकिन इधर आइए ना मेरे पास आइए मैं जब आप मुझे माता बोले तो मेरी अंदर की ममता जाग उठी है बाबा बाबा आप ही जैसे मेरा भी एक लाल था और उनका नाम कुंवर बिरजभान था आप ही जैसा सुंदर और इतना सुशील लड़का था मेरा बेटा लेकिन बाबा मेरे बेटे ने मेरी बहू को गौना कराने के लिए गई लेकिन पता नहीं आज मेरे बेटे को 12 बरस बीत चुके हैं लेकिन मेरा बेटा अब तक मेरे पास घूर के नहीं आया है कि मैं हो अपान के धीरज पायती दिलवा में रहबे करी पान के धीरज पायते दिलवा में रहबे करी हो लौटी आई तबे का बिरज पान के आई हो तोरे ऐसन रहले हो बाबा हमारो बेट बहुलाई तोरे ऐसन रहले हो बाबा हमारो बेट बहुलाई तू बनिया बेटा बाहमारा है कि आपका लड़का अब तक नहीं आया है नहीं लेकिन अपने मन में धैर्य बांध के रहिए कभी हो सकता है तो लौट के आ जाएगा ऐसा क्या है मुझे देख के क्यों अपने ममता को रुला रहे हैं अपने दिल पे सब्र बांध के रहिए माता राम नहीं नहीं बाबा मैं आपको इतनी छोटी उम्र में जोगी का भेष देख के मुझे अंदर की ममता पिघल रही है कि आपको क्या मुसीबत पड़ गई बाबा आप जोगी फकीर बन गए कि हाय हो कर्म के लिखा लहे मैया जी केहू नाही मिटबे कारई कर्म के लिखा लहे मैया जी केहू नाही मिटबे कारई कर्म लिख ल जा तू भगवान हे जब बोलना हो बाबा बोलिया को बोलिया हो बाबा किया जब बोलना हो बाबा बोलिया को बोलिया हो बाबा किया बोलना बोलिया को बोलना हाँ बाबा मैं एक तपस्वी भिखारी हूँ मुझे भी इच्छा दीजिए मुझे और कोई द्वार जाना है मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ मुझे भिक्षा दीजिए ठीक है बाबा आप रुकिए मैं भिक्षा देती हूँ आपको कि आए हो ले हो तेरा ले हो बाबा हो पाँच मूर्ति बिछबा हो बाबा हो ले हो तेरा ले हो बाबा हो पाँच मूर्ति बिछबा हो बाबा हो ले हो बाबा पाँच मूर्ति बिछबा हो कि हाय हो हम जहाँ पचई पहे माता जे दोसरो दुवरिया है जई भई हम जहाँ पचई पहे माता जे दोसरो दुवरिया है जई भई ताई दे तपाचा मोट भी का बाबा माता राम हाँ हाँ बाबा ये बताइए भिक्षा देने में आपका हाथ क्यों कांप रहा है बाबा पता नहीं कि मैं जब आपको भिक्षा दे रही थी तो मेरी हाथ थरथरा गई बाबा अब नहीं होगा अब लीजिए बाबा मैं देती हूँ चलिए माता राम जल्द से जल्द मुझे भिक्षा दीजिए
आपका हाथ कांप रहा है, आप भिक्षा देना नहीं चाहते हैं? नहीं नहीं बाबा, इस बार मेरी हाथ मेरी आंचल के खूट में फंस गई थी बाबा, अब मैं जरूर दूंगी भिक्षा। शरीर से जल भिक्षा दीजिए। माता राम, अगर आप मुझसे कहीं वजह करें तो मैं इस रंगमाल में श्राप दे के चला जाऊंगा, आप भिक्षा देना नहीं चाहते? नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। एक तो मैं अपने लाल के बिना तरस रही हूँ, और ऊपर से आप बोल रहे हैं मैं शराब दे दूंगी। नहीं नहीं बाबा, सुनो माता राम, आपका हाथ आपके आंचल में नहीं फंस रहा है। तो बाबा क्या बात है, आप अपने पीछे मुड़ के देखिए कि कोई आपके हाथ पकड़ के खींच रहा है। बाबा हमारे पीछे में देखिए, बाबा ये तो मेरी बहू रानी है। ओह, आपकी बहू रानी भिक्षा देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो आपके हाथ पकड़ कर खींच रहे हैं पीछे। ठीक है बाबा, आप साइड हो जाइए, मैं अपनी बहू रानी से पूछती हूँ। अरे पुतू। हाँ ससुमा, ये बताओ अभी मैं जिंदा हूँ इस महल में, और जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मैं ही इस महल की गार्जियन हूँ। मैं अपना धन लुटा दूं या रखूं, तुम्हें उससे क्या बहस है? मैं जब बाबा को भिक्षा दे रही थी तो तुम मुझे बाहें क्यों रोक ली? हाँ, वो बाबा नहीं थे, वो आपका लड़की बच्चे थे। क्या? मैं अपनी कोख में उसे 9 महीना रखी हूँ, और मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगी, वो मेरा बेटा है। और आजकल की औरत जो हमारे घर में आई है वो मुझे अकील दे रही है कि माँ वो आपका बेटा है। हाँ सासू माँ, ये सच है कि आपका लड़का है? ये मेरा लड़का है। हाँ आई हो नहीं यारा के बिगड़ लक्ष्मी कहूँ जब रह नहीं रा के बिगड़ लक्ष्मी कहूँ जब रह मारी दे तो जीवा ना तोहार आई हो जब रह ससुमा पापड़ी ये बताओ, मैं अपने बेटे को नहीं पहचान पाऊंगी, और तुम क्या साबित कर सकती हो वो मेरा बेटा है? माँ हाँ सासू माँ, मैं साबित कर दूंगी। क्या तुम साबित करोगी? हाँ, अगर झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें मुंह तोड़ दूंगी। सासू माँ हाँ मुझे कहा आप मार रहे, मैं बता